राजपूत कर्णी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग की सूचना मिल रही है। फायरिंग में प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी है। बीएन संस्थान परिसर में यह बैठक चल रही थी। बैठक में मौजूद लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के भंवर सिंह को गोली मार दी गई और उसके बाद जमकर आरोपी की पिटाई की गई। लोगों ने उसे पकड़ लिया, गुस्साए भीड़ ने जमकर उसकी धुनाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक कर कई लोग हाथ साफ करते नजर आए, आरोपी की पिटाई करते हुए नजर आए। तस्वीरें भंवर सिंह की भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज लगातार जारी है, कमर पर गोली लगी है और बताया जा रहा है कि फिलहाल जान खतरे से बाहर है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगी कपिल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका हूं, जहां पर यह घटनाक्रम घटित हुआ था। बीएन संस्थान में इस समय मैं मौजूद हूं और आपको मैं उस जगह की तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर ये जो फायरिंग है वो की गई थी। आप देखिए कि ये वही गार्डन है जहां पर जो महासभा का आयोजन किया जा रहा था, उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी और इसी गार्डन के अंदर जो भंवर सिंह सिलाड़िया थे वो मौजूद थे और यहाँ पर उन्हें इसी गार्डन के अंदर गोली मारी गई है। आप देखिए कि जो प्राथमिक जानकारी, जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है वो ये है कि गोली मारने वाला संभवतः आम आदमी पार्टी का नेता है, युवा नेता बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, और दिग्विजय सिंह बाठेड़ा नाम गोली मारने वाले उस युवक का है जिसने की भंवर सिंह सिलाड़िया को गोली मारी है, और पेशे से अधिवक्ता भी बताया जा रहा है। हालांकि ये सभी जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही है, लेकिन आप देखिए कि हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कुछ समय पहले यहां पर महासभा का आयोजन किया जा रहा था, पूरी गहमा गहमी थी, लेकिन फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बीएन संस्थान का परिसर है और पूरी तरह से यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग यहां पर मौजूद थे वो हॉस्पिटल लेकर रवाना हुए थे, अब एक निजी चिकित्सालय में पहुंचा दिया गया है भंवर सिंह सिलाड़िया का। और प्राथमिक बड़ी जानकारी के अनुसार आप देखिए कि गोली मारने वाला जो युवक है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर उस दिग्विजय सिंह बाठेड़ा, जो कि गोली मारने वाले युवक का नाम बताया जा रहा है, इसी जगह पर उसे लोगों ने पकड़ लिया था। लोगों ने यहां पर पकड़कर उसकी धुनाई कर दी थी। आप देखिए कि अभी भी उसके जो जूते हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। कई लोगों ने उसके, जो यहां पर मौजूद लोग थे, उन्होंने उसके साथ में मारपीट की थी और उसके बाद में जो घायल भंवर सिंह सिलाड़िया थे उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसी जगह पर उसे जो महासभा में जो लोग मौजूद थे उन्होंने भंवर सिंह सिलाड़िया को पकड़ लिया था। तो ये बीएन परिसर है, बीएन का वो संस्थान है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था। इसी के अंदर महासभा का आयोजन किया जा रहा था और उसी महासभा के अंदर जो दिग्विजय सिंह नाम का युवक बताया जा रहा है। बिल्कुल कपिल, इस वक्त वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ, जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और एक बड़ी बात और बड़ा अपडेट भी आप बता रहे हैं कि जिस शख्स ने फायरिंग की वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, यानी कि राजनीति से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा सकता है। राजनीतिक रंजिश रही होगी, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा, पूछताछ के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कपिल, सुरक्षा वहां पर नहीं है, लोग बंदूक लेकर परिसर के अंदर कैसे घुस जाते हैं? दिखाइए जरा वहां पर क्या व्यवस्था है, वहां पर सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई आखिर? लोगों ने, यहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने पकड़ लिया और उसके साथ में जमकर मारपीट की थी। और इसके अलावा ये वो गार्डन है जिस गार्डन के अंदर महासभा का आयोजन किया जा रहा था और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। खुद श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सिलाड़िया भी इस गार्डन के अंदर मौजूद थे और एक युवक जिसका नाम दिग्विजय सिंह बाठेड़ा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो जो युवक है वो आम आदमी पार्टी का युवा कार्यकर्ता बताया जाता है और पेशे से अधिवक्ता होने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि ये सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से, पुलिस जब स्पष्ट करेगी पूरी जानकारी तो स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन यही वो गार्डन जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। तो इसी जगह पर जो महासभा,
बिल्कुल, तो वो जगह कपिल दिखा रहे हैं जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है, जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। वो गार्डन भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बैठक आयोजित की गई थी करनी सेना की ओर से। उस शख्स का जूता अभी तक वहां पर पड़ा हुआ है जिसकी धुनाई की गई, क्योंकि गुस्से में लोग थे और यही वजह है कि खूब पिटाई की गई उस शख्स की और अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो तस्वीरें लगातार आपको वहां दिखा रहे हैं, चार अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक सीधी तस्वीर जहां पर सहयोगी कपिल इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जी कपिल, तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं भंवर सिंह की, जिन्हें गोली लगी है एक शख्स ने, जो कि अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आम आदमी पार्टी का वो शख्स बताया जा रहा है। राजनीतिक रंजिश इसके पीछे वजह हो सकती है, हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, पूरे घटनाक्रम को लेकर जल्द ही खुलासा हो सकेगा और ये भी पता चल सकेगा कि आखिर इस फायरिंग के पीछे क्या मकसद, क्या वजह रही होगी। लेकिन फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से यह बैठक की जा रही थी करनी सेना की ओर से, एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें यह शख्स बीच में पहुंचता है, प्रदेश अध्यक्ष को अपने पास बुलाता है और उसके बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम देता है। अब जब लोगों का गुस्सा फूटा तो युवक को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी गई, हालांकि अभी वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उससे पूछताछ कर रही है। तीन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कपिल सहयोगी लगातार उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह घटना घटी है। कपिल, सवाल ये था कि सुरक्षा के वहां पर इंतजाम आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने भी बताया कि बड़ी संख्या में वहां पर गार्ड्स मौजूद होते हैं, बावजूद इसके हथियार लेकर घूम रहे हैं लोग वहां पर। इसी महासभा जहां पर राजपूत समाज के काफी सारे लोग जमा होंगे, वहां पर इस तरह से कोई युवक जो है वो हथियार लेकर पहुंच जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष तक को गोली मार देगा। हालांकि काफी सारे लोग जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के पास में उस समय मौजूद बताए जा रहे थे, लेकिन यहां पर जब वो युवक अचानक से प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सिलारिया के पास में पहुंचा तो उस युवक ने अपने पास पहले से मौजूद पिस्टल को निकाला और उनके कमर में गोली मार दी। कमर में जैसे ही गोली लगी उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे थे और राष्ट्रीय संयोजक अकादमी सेना के अजीत सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये जो घटनाक्रम घटी है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये घटना इसकी जितनी वर्णना की जाए उतनी कम है। ये चाहे हमारे करनी सेनाएं कई होंगी, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे मनों में भेद नहीं है। हमारे भाई पे जिस पे ये गोली चली है, हमारी राजस्थान सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि अपराधियों को और जो भी लोग इस पूरे साजिश षड्यंत्र के पीछे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना ये करनी सेना एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में खड़ा करेगी। और इसको लेकर के हमने अभी 5 बजे हमारे जयपुर के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग बुलाई है और उसमें हम सर्वसम्मति से इस घटना को लेकर निर्णय लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये घटना स्तब्ध कर देने वाली है। बीच बैठक में एक शख्स पहुंचता है जिसे किसी बात की डर नहीं है, फायरिंग करता है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष घायल भी हो जाते हैं। अजीत सिंह जी, सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके साथ साथ क्योंकि आप बता रहे हैं कि साजिश रची गई थी, क्या साजिश इसके पीछे, क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है? देखिए, हमारे समाज से द्वेषता रखने वाले कई लोग तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं और ये तो एक बहुत बड़ी घटना है। मतलब जिस राजस्थान को शांति का प्रदेश कहा जाता है उसमें एक सार्वजनिक स्थल पर मीटिंग के दौरान इस तरह की घटना होना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। और बिल्कुल, और अजीत जी, जिस तरीके से मीटिंग के बीच में ये शख्स हथियार लेकर पहुंचता है, क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं, कोई भी जा सकता है अंदर? देखिए, ये हमारा एक सामाजिक संस्था है करनी सेना, हम लोग अपने समाज के लोगों के सहयोग से इस संस्था को चला रहे हैं। अब हमारे पास कोई बहुत ज्यादा इस तरह का नहीं है कि हम कोई गनमैन रख सकें या सिक्योरिटी के इंतजाम कर सकें और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं करते, किसी धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते, हम तो केवल अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं और उसमें हमें नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को हमसे शायद इस तरह की दुश्मनी निकालनी चाहिए।
अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है, बताया जा रहा है कि आम आदमी से पार्टी से जुड़ा हुआ ये शख्स है जिसने फायरिंग की है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, इस तरह की घटना को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। और ये बहुत बड़े शर्म की बात है, मतलब एक कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति इस तरह की घटना कर रहा है तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसको सरकार को और राजस्थान पुलिस को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, ये घटना निंदनीय है अजीत सिंह जी, लेकिन आगे क्या रणनीति आप लोगों की ओर से? हालांकि आप कह रहे हैं कि शाम को एक बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन सरकार की ओर से कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी सरकार से ये मांग है कि इसमें जो भी दोषी हों उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके, चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त सजा दी जाए। हालांकि दोषी पुलिस के गिरफ्त में भी और पूछताछ भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।